नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने इस YouTube चैनल पे। और आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में फाइनेंशियर किस प्रकार से चेंज होता है और डेटा स्प्लिट किस प्रकार से होता है, क्योंकि अभी हमारा जो प्रेजेंट टाइम का फाइनेंशियल ईयर है 2023-24 वो ऑलमोस्ट अब कम्प्लीट हो चुके हैं और हमें अब 1 अप्रैल 2024 से नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंट्री करनी पड़ेगी, जो हमारा फाइनेंशियल ईयर हो जाएगा 2024-25 का। तो ऐसे के अंदर हमने जो 2023-24 के अंदर टेली सॉफ्टवेयर के अंदर हमने लेजर क्रिएट करे हैं, स्टॉक आइटम क्रिएट करी है, उनके ग्रुप क्रिएट करे हैं, उनकी यूनिट्स हमने क्रिएट करी है, यहाँ तक कि हमने GST की, TDS की, TCS की प्रॉपर सेटिंग हमने कर रखी है। तो हम चाहते हैं ये जितने भी हमने काम वर्क किया है, ये सारा का सारा काम हमारा नए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर भी काम आ जाए। वहाँ पर हमें अलग से कोई लेजर, स्टॉक आइटम, ग्रुप, यूनिट, ये सब कुछ क्रिएट करने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसी स्थिति के अंदर में फाइनेंशियल ईयर को चेंज करना चाहिए या फिर डेटा को सप्लिट करना चाहिए। डेटा सप्लिट करने से आपको क्या बेनिफिट है और फाइनेंशियल ईयर को चेंज करने से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, तो ये सारी बातें आज की इस वीडियो में अपने प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आप कंप्लीट देखना, ताकि आप अपने लेवल पर पता कर सको कि आपको कंपनी को फाइनेंशियल ईयर चेंज करने की जरूरत है या फिर डेटा को सप्लिट करने की जरूरत है, क्योंकि वीडियो हम सारा प्रैक्टिकल आपको बताने वाली है। और वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन, हमेशा की तरह वीडियो अगर आपको पसंद आए तो जरूर लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आगे भी आपको इस चैनल पर इसी टाइप की नई नई वीडियो लगातार मिलती रहेगी। तो शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरे पास टेली सॉफ्टवेयर ओपन है और इस कंपनी के अंदर मैंने 2023-24 की कंपनी ओपन है। तो आपको सबसे पहले एक बात का ध्यान में रखना है, जब भी आप ये फाइनेंशियल ईयर चेंज करो या डेटा को सबमिट करो तो हमें एक बार डेटा का बैकअप जरूर ले लेना है। सबसे पहले हम डेटा पर जाएंगे बैकअप लेने के लिए। जैसे हम डेटा पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये बैकअप, रिस्टोर और सबमिट का ऑप्शन मिल जाएगा। सबसे पहले हमें बैकअप लेना है, तो जैसे हम बैकअप पर एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले आपको वो आपको पाथ देना है जहाँ पर आपने डेटा को सेव करना है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ई ड्राइव के अंदर डेटा मेरा सेव करना है और मैंने यहाँ पर ई 2023-24 के अंदर में मेरा डेटा है जो बैकअप इसका सेव रखना चाहता हूँ डेटा। एंटर मैंने प्रेस किया और उसके बाद में जितनी भी हमारी कंपनी ओपन होगी उसका डिटेल सारी आ जाएगी, सारी कंपनी हमारे सामने ओपन हो जाएगी। अब उसके बाद में आप सभी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो तो एंटर प्रेस करते रहिए, सभी का बैकअप है जो क्रिएट हो जाएगा। मैंने एंड ऑफ लिस्ट क्लिक कर दिया और जैसे हम उस फोल्डर को एक बार ओपन करेंगे तो यहाँ देख सकते हो हमने ई ड्राइव के अंदर 23-24 के नाम से फोल्डर क्रिएट किया था और वहाँ पर इन सभी का बैकअप है जो क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आप डेट भी देख सकते हो, ये 28/3/2024 की आ रही है, क्योंकि अब हमारे पास में डेटा हमारा बिल्कुल सेफ है। तो अब हमें फाइनेंशियल ईयर किस कंडीशन में चेंज करना चाहिए, एक बार हम इसका 23-24 की बैलेंस शीट को ओपन करते हैं और मैं यहाँ पर इसका पीरियड चेंज कर देता हूँ 1/4/23 से लेके 31/3/24। तो यहाँ पर कुछ रिकॉर्ड्स हमें दिखाई दे रहे हैं, जैसा कि हम एक बार सेंट्रिक कैलेंडर पे चलते हैं और एक आप देख सकते हो विजय ट्रेडिंग कंपनी है और इस विजय ट्रेडिंग कंपनी का जो क्लोजिंग बैलेंस है 31 मार्च 2024 को वो आ रहा है 57,439 रुपये का, ठीक है। अब हमें भी इस बुक्स के अकॉर्डिंग ये हमारा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के अंदर इस विजय ट्रेडिंग कंपनी का ओपनिंग बैलेंस है जो बन जाना चाहिए। तो अब हमें सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर चेंज करना पड़ेगा, तो फाइनेंशियल ईयर चेंज आपको गेटवे ऑफ टेली पे आना है और यहाँ पर आपको एल्ट के साथ F2 बटन प्रेस करना है। यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाएगा चेंज पीरियड का। तो अभी यहाँ पर स्टार्टिंग के अंदर दिख रहा है 1 अप्रैल 23 to 31/3/2024। तो अब हमारे पास यहाँ पर हमें एंट्री कर रहे हैं 2024-25 में, तो हम कर देंगे 1/4/2024 और 2 के अंदर कर देंगे 31/3/24 की जगह 31/3/2025 एंटर प्रेस करें। तो जैसे हमें एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया 1 अप्रैल 2024 to 31 मार्च 2025 का। अब हम बैलेंस शीट पे चलते हैं एक बार और मैं यहाँ पर इसका 1/4/2024 to 31/3/2025 का डेट देता हूँ। सेंट्री क्रेडिट पे चलते हैं और उसके बाद में सेंट्री क्रेडिट पे और विजय ट्रेडिंग कंपनी, और विजय ट्रेडिंग कंपनी के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पर इसका जो ओपनिंग बैलेंस आ रहा है वो 57,439 रुपये का क्रेडिट आ रहा है। यहाँ आप देख सकते हो इसके साथ में आगे ओपनिंग बैलेंस भी लिखा हुआ है,
यानी कि अब फाइनेंशियल चेंज करने की कंडीशन में हमें क्या मिला, अब हमें यहाँ पर एक नए फाइनेंशियल के अंदर इस लेजर को क्रिएट करने की जरूरत नहीं पड़ी। जितना हमारा डाटा 23-24 के अंदर था वो सारे के सारे लेजर आ जाएंगे, उनकी ट्रांजेक्शन्स नहीं आती, उनका केवल क्लोजिंग बैलेंस ही आपको दिखेगा। इसी तरीके से स्टॉक आइटम पर हम चलते हैं, जैसे कि हम एक बार एल्टर पे चलते हैं और स्टॉक आइटम को देखते हैं, हमारी कोई भी स्टॉक आइटम है, तो अब इसका क्लोजिंग स्टॉक आइटम आपको यहाँ पे देखो कि ओपनिंग बैलेंस इन सभी का आपको यहाँ पर देखो कुछ भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन अगर हम इसका चलते हैं स्टॉक आइटम के स्टॉक समरी पे, और यहाँ आप देखोगे तो इन कुछ स्टॉक आइटमों को आपका यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस भी दिखाई देगा। हालांकि ये लास्ट ईयर के अंदर ये क्लोजिंग स्टॉक माइनस में था, अगर ये प्लस में होगा तो यहाँ पर आपको प्लस के अंदर ये दिखाई देगा। यानी कि अब हमें फाइनेंशियल चेंज करने का एक बेनिफिट हमें ये मिलता है भी, हमें नया कुछ क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सेपरेट करने का आपको बेनिफिट कब मिलेगा, अब कई बार कुछ ऐसे अननेसेसरी लेजर होते हैं जो हमें नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वो हमारे 23-24 के अंदर ही खत्म हो चुके हैं। हम चाहते हैं भी वो जो लेजर है वो नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर हमें बारी बारी परेशान ना करना ना करे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वापिस हम पीरियड इसको चेंज करते हैं 1/4/23 से लेके और 31 मार्च 24, ठीक है। और अब मान लीजिए हमने एक यहाँ पर लेजर क्रिएट कर दिया, क्रिएट पे गए, लेजर पे गए, अब मान लीजिए मैंने JKL के नाम से एक लेजर क्रिएट कर दिया, अब ग्रुप मैंने बना दिया इसका सैंडी डेप्टर, ठीक है, और मैंने इसको एंटर प्रेस कर दिया। अब मान लीजिए इसको हम एक सेल की ट्रांजैक्शन एंट्री कर देते हैं, फिर आपको पता चल जाएगा कि इसकी कहानी क्या रहेगी। JKL को हमने कर दिया, स्टॉक आइटम यहाँ पे हम एक बार ले लेते हैं क्योंकि स्टॉक हमारे पास परचेज एक बार एंट्री नहीं है, तो इसलिए आपको ये दिखाएगा। सेल 12% की सेल और इसका CGST टैक्स और SC टैक्स, ठीक है। अब हमने इसकी सेल की एंट्री हमने कर दी, अब मान लीजिए इसके हमने पेमेंट भी आ गई, रिसिप्ट भी होगी साथ के साथ, तो हम यहाँ पर करेंगे और 100.1 रुपीज़ इसका केस हमें जो रिसिप्ट हमने कर लिया, ठीक है। और ये फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के अंदर ये हमारा जो खाता है वो क्लोज हो चुका है, इसका बैलेंस नहीं गया। लेकिन अब ये फाइनेंशियल ईयर 2024-25 जब हम खोलेंगे तो ये लेजर हमें वहां पर जरूर दिखेगा, ओपनिंग बैलेंस इसका कुछ नहीं है, 31/3/25 पे गए, ठीक है। अब वापस से यहाँ पर अगर हम देखते हैं, यहाँ पे डिस्प्ले पे चलते हैं, अकाउंट्स बुक पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं, JKL का खाता, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1/4/24 से लेके 1/4/2024 to 31/3/2025 इस पार्टी का नाम जरूर दिख रहा है, लेकिन ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं है क्योंकि लास्ट ईयर के अंदर इसका क्लोजिंग बैलेंस कुछ भी नहीं था। लेकिन हम चाहते हैं भी नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये लेजर हमें दिखाई ना दे। लेकिन अब आप फाइनेंशियल ईयर चेंज के दौरान इस लेजर को आप डिलीट नहीं कर सकते, एल्टर पे चलते हैं, लेजर पे चलते हैं, JKL पे जाएंगे और यहाँ पे D बटन प्रेस करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर ट्रांजेक्शन हो चुकी है। अगर आप चाहते हो कुछ अननेसेसरी स्टॉक आइटम एंड आपके लेजर्स इन सभी को डिलीट करना चाहते हो तो फिर आपको डाटा को सेपरेट करना पड़ेगा। अब सेपरेट आपको किस तरीके से करना है, वापिस हमें डेटा पे चलना है और सेपरेट पे चलेंगे। जैसे हम सेपरेट पे चलेंगे तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, सेपरेट डेटा। तो जैसे हम डेटा पे जाएंगे तो हमारे सामने जो कंपनी है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी और उसके बाद में आ जाएगी सेपरेट फ्रॉम, कब से करनी है, 24/25 से। तो 1 अप्रैल 2024 से हमारा डेटा 23/24 वाला अलग दिखे और 24/25 का डेटा हमारा अलग हो जाना चाहिए, एंटर प्रेस करेंगे और उसके बाद में यहाँ देखो दी फॉलोइंग कंपनी भी क्रिएटेड, यानी कि अब यहाँ पर जो आएगी 1 अप्रैल 23 से अलग और 1 अप्रैल 24 से, तो आपको अलग अलग टाइप की कंपनी जो शो करेगा, एंटर प्रेस करेंगे और कंपनी सबलिट यस हमने प्रेस कर दिया। तो अब ये हमारा रिकॉर्ड है जो अब आपको यहाँ पे कंपनी पे चलते हैं फिर आपको पता चलेगा। वापिस हम सेलेक्ट पे चलते हैं, अब सेलेक्ट के अंदर अब आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कंपनियाँ क्रिएट हो गई, एक वो कंपनी जो हमारी मेन कंपनी थी, उसके बाद में 1 अप्रैल 23 वाली और 1 अप्रैल 24 वाली। अब आपको 24/25 के अंदर काम करना पड़ेगा तो आप डायरेक्टली इसको ओपन करोगे, ठीक है। जैसे हमने इस कंपनी को ओपन कर लिया, अब आपके पास ऑप्शन है भी आपने जो एक एक्स्ट्रा लेजर क्रिएट किया था JKL वाला, उसको आप यहाँ से डिलीट है जो कर सकते हो। जैसे कि हमने JKL कर दिया,
एल्ट डी बटन प्रेस किया और अब आप देख सकते हो ये डिलीट आ गया, एंटर प्रेस कर दिया। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, अब ये हमारा अननेसेसरी लेजर स्टॉक आइटम डिलीट कर सकते हैं। लेकिन अब आपका एक इसके अंदर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अगर आपने अब कोई 2023-24 के अंदर अपने डेटा के अंदर कोई अमेंडमेंट किया है, जैसे कोई बुक्स को फाइनेंस किया है, प्रॉफिट को आपने ट्रांसफर किया है, या कोई डेप्रिसिएशन की एंट्री के लिए कोई भी ट्रांजेक्शन करी है, तो आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो बैलेंस शीट है उसका बैलेंस चेंज हो जाएगा। तो अब आपको 2023-24 के अंदर उन सभी लेजर्स के अंदर आपको ओपनिंग बैलेंस है मैनुअली अब चेंज करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक अब चेंज नहीं होगा। ये एक आपका माइनस पॉइंट रहेगा, इस बात का आपको ध्यान में रखना है। तो इसलिए जब भी आप अपने डेटा को सप्लिट करो तो आप अपनी जो 23-24 की जो बैलेंस शीट है उसको प्रॉपर सही तरीके से फाइनल करने के बाद ही आपको डेटा को सप्लिट करने की जरूरत रहेगी। अगर आपको लगता है भी हमारे पास कुछ ऐसा अननेसेसरी कोई लेजर नहीं है, कोई स्टॉक आइटम नहीं है, कोई ग्रुप नहीं है, तो आपको मैं ये सजेशन करूंगा भी आप डेटा को फाइनेंशियल चेंज ही करें, डाटा को सप्लिट नहीं करें, क्योंकि इससे आप जैसे आप 23-24 के अंदर चेंज करोगे 24-25 के अंदर आपका ऑटोमेटिक वो चेंज होके ही आएगा। और सप्लिट की कंडीशन के अंदर 2023-24 के अंदर आपने जो चेंजिंग करी है वो 24-25 के अंदर आपको मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। जैसा कि मैं अल्टर पे चलते हैं, एक आपको मैं लेजर दिखाता हूँ, जैसा अभी हमने विजय ट्रेडिंग का था, अब ये विजय ट्रेडिंग कंपनी का यहाँ पर आपको ओपनिंग दिखाई देगा। अब मान लीजिए 23-24 के दौरान आपने कुछ कैश के ट्रांजेक्शन कर दी या कोई क्रेडिट नोट डेबिट नोट की कुछ एंट्री कर दी आपने, तो वहाँ पर उसका बैलेंस हिल जाएगा बैलेंस शीट के अंदर। तो अब यहाँ पर जो भी बैलेंस क्लोजिंग रहेगा 31/3/2024 की बैलेंस शीट में, और वो आपको यहाँ पर मैनुअल चेंज करना पड़ेगा। तो ये आपका एक थोड़ा सा अलग से मेहनत हो सकती है। आई होप कि आप फाइनेंशियल चेंज के अंदर और डेटा सप्लिट के अंदर डिफरेंस अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, डेफिनेटली हम उसका आपको रिप्लाई देंगे। वीडियो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर भी करना, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।